अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब आलम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता बरस न्यूज़ीलैंड की टीम दौरा पाकिस्तान के लिए आई थी तो ऐन मैच शुरू होने से पहले हमला होने की खबर सुनने के बाद वापस चली गई। तो उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था जो उसने ख़त्म कर दिया। तो आज की वीडियो में हम आपको यही खुशखबरी देने जा रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये खबर पाकिस्तानी शायकीन के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। इंग्लैंड की टीम 15 सितंबर से T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। दोनों बोर्ड दौरे को हतमी शक्ल देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर पूरी सीरीज़ में सिक्योरिटी इंतजाम को मॉनिटर किया है। दोस्तों, दोनों टीमों के दरमियान 15 सितंबर से 7 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। आपको बताते चले, पहले ये 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज थी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ टॉम हैरिसन ने गुज़िश्ता दौरे की मनसूखी के बाद मज़ीद 2 मैचेस सीरीज में शामिल करने का ऐलान किया था। 200 टीम इस साल के आखिर में 7 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा कर रही है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज़ को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। सीरीज़ के मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में करवाने पर गौर किया जा रहा है। दोस्तों, आज की न्यूज़ अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की इकबाल।